भर दिया गया। अरे तो ब्लूटूथ वाला नहीं है क्या? ब्लूटूथ वाला नहीं है क्या? बजट का प्रॉब्लम है। हेलो देखो, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। एंड इफ एनी चेंज इज मेड, एंड इफ एनी चेंज इज मेड, एंड इफ एनी चेंज इज मेड, and if any change is made by changing, and if any change is made by changing pressure oblique volume, pressure oblique volume oblique temperature oblique moles, pressure volume temperature moles oblique concentration oblique concentration oblique addition of inert material, then equilibrium of reaction is disturbed, and equilibrium of reaction is disturbed, and reaction will move in direction, and reaction will move in the direction, and reaction will move in the direction such that equilibrium again established, and effect of applied change is nullified. And effect of applied change is null. मंजर समझ में आया? समझ में आया? एक लेकर आइए देखते हैं। Applied is nullified. मतलब खत्म हो गया। Nullified मतलब क्या? Null मतलब क्या? ठीक है? तो भाई आम भाषा में, सिंपल सी भाषा में जो मैंने आपको हिंदी में स्टेटमेंट दिया था, जो घटेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो घटेगा। अब वो या तो फॉरवर्ड जाके घटा है या बैकवर्ड जाके घटा है, या फॉरवर्ड जाके बढ़ा है या बैकवर्ड जाके। ओवरऑल हर रिएक्शन अपने आप को किस फेज में लाना चाहेगा? किस फेज में लाना चाहेगा? आई बस समझ सकते हो? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब अभी जो हमने इफेक्ट मैंने आपको लिखा था कि टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम मोल्स एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, आखिर इनसे इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होता है और आखिर कैसे रिएक्शन अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम पे लाता है, यही नीचे टेबल में बताया है। ठीक है, एक एक करके ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? अब एक एक करके इफेक्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। और समझ ले इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है पूरा। ठीक है, नीचे टेबल सिर्फ ध्यान से देखो। ठीक है, पहला है इफेक्ट ऑफ मोल्स। क्या है? इफेक्ट ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स है या वॉल्यूम, जिसमें मैंने क्या रखा? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा मैंने। क्या रखा? वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट, क्योंकि चीजें हम रिएक्शन में किससे लिंक करते हैं? कंसंट्रेशन से लिंक करते हैं, राइट? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ना वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा, तो इसका मतलब आप चीजें किस में डील करोगे? मोल्स में करोगे। आया ना? सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अगर मान लो रिएक्टेंट के मोल्स मैंने बढ़ाए, अगर मैंने क्या किया, रिएक्शन का मोल्स बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? मैंने अभी आपको क्या, जो बढ़ा है वो घटेगा, तो रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ाने से अब रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। कैसे जाएगा बैकवर्ड? तो रिएक्टेंट बनने के ज्यादा कहाँ जाएगा? मान लो ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे था, समझो बात। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे था। यदि अगर मैंने रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा दिए तो इसके पास थोड़ी ना जाएगा, ये इससे दूर जाएगा ना, बराबर ना? आया ना?
इस बात को और अगर यदि घट गया तो क्या होगा? ये एक तरीके का वो गर्लफ्रेंड है, ज्यादा लड़ाई करते हो तो दूर भागते हो, लेकिन जैसे दूर जाते हो तो गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, तो फिर क्या करते हो? बैकवर्ड डायरेक्शन जाते हो, इसके बाद जाते हो। भाई बात अब बात है, तुमको तो ऐसे इसी भाषा में समझाना पड़ेगा ना, आम भाषा में तो समझ आते नहीं है। समझ रहा सबको आया ना? जब लड़ाई होती है गर्लफ्रेंड से तो दूर भाग जाते हैं, ठीक है? जैसे दूर चले गए तो प्यार कम हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस चलता नहीं है ना, बचा था प्यार कम हो गया, फिर वापस सब चले गए किसके पास? आया समझ में? आप तो जिनको समझ में आया, आया ना? आना बैटरी चलो लेकर इसमें ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सब समझ में? अगर मान लो ऐसे समझो, एक मिनट रुक जाओ, अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया मैं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। और रिएक्टेंट घटाया तो किस तरफ जाएगा? प्रोडक्ट बढ़ाया तो कहां जाएगा? बैकवर्ड। और प्रोडक्ट घटाया तो फॉरवर्ड। इसलिए गर्लफ्रेंड ने कैंसिल कर दिया। चलो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट reaction will move in backward direction, reaction will move in backward direction। समझ में? तो एक ओवरऑल में आईडिया आपको यहां जनरेट कर देता हूं। लिखा सबने? सब इतना सबने लिखा, ठीक है? इफेक्ट, ठीक है, और डायरेक्शन। देखो पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि रिएक्शन ऑलरेडी मेरा कहां था? इक्विलिब्रियम पे था। और अगर आपने कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाल दिया क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो अपने आप को रिएक्शन क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। मान लो इस बात को, अब या तो फॉरवर्ड जाके ला या बैकवर्ड जाके, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आई बात समझ में? इसका मतलब यदि अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा? डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। मान लो इस बात को, और अगर मैंने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाया तो डायरेक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट गया, फॉरवर्ड ना, बराबर। और यदि मैंने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाया तो क्या होगा? बैकवर्ड हो जाएगा। और यदि अगर मैंने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाया तो क्या होगा? आपका मेन मोटो क्या होगा? प्रोडक्ट को तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। अब ये सोचो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको किस केस में मिल रहा है? रिएक्टेंट को बढ़ाते जाओ और प्रोडक्ट घटाते जाओ, मंजे जे रिएक्टेंट डालते जाओ प्रोडक्ट निकालते जाओ, रिएक्टेंट डालते जाओ, हमेशा रिएक्शन आपको कहां रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा उस केस में? प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो नोट बना के इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको। समझ में आया पॉइंट सबको? आया ना? चलो देखो, मोस्ट सुटेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोस्ट सुटेबल कंडीशन, most suitable condition, most suitable condition in terms of concentration, in terms of concentration for any reaction
is increase in concentration of reactant is increase in concentration of reactant and continuous removal of product and continuous removal of bad product. समझ में आया सबको? आया ना? पक्की बात? सबको जो समझ में आया? लो छोटा भी समझ में आया कोई डाउट यहां तक? पक्की बात? ठीक है, चलो सेकंड इफेक्ट को देखते हैं. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक है वॉल्यूम. ठीक, अब एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ. स्टॉप राइट यहाँ पे देखो. ये थोड़ा वॉल्यूम हो, ये आसान है, इसलिए मैंने आपको डिक्टेट करने पड़े. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेशर आप किस केस में यूज करते हो? लिक्विड के केस में या गैस के केस में? गैस. किसे केस में? गैस. इसका मतलब सिंपल सी भाषा में कि आपको चीजें किससे डील करनी है? डेल्टा जहां प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, आपको सीधे ये चेक करना कि ये केस कौन सा. डेल्टा एन जी का तीन केस होता था ना, एंड डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन बनाओ दस दस. आई बात समझ में? यही तो केस होता था. आया ना? पक्की बात? ठीक है. तो मैंने कहा था टू नो द इफेक्ट ऑफ, स्टॉप राइटिंग, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम. टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम वी शुड नो, वी शुड नो द टाइप ऑफ रिएक्शन. वी शुड नो द टाइप ऑफ रिएक्शन. दैट इज कौन कौन सा टाइप हो? या तो डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, या तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, और या डेल्टा एन जी क्या होगा? लेस देन जीरो. इसके अलावा तो और कोई केस हो ही नहीं सकता. अब कैसे देखना है प्रेशर वॉल्यूम का तीनों केसेस में? तो देखो, पहला केस अगर मैं यदि मानता हूं डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो का केस, इसमें आपको प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट चेक करना है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एचआई टेंड्स टू गिव क्या? H2 प्लस आई टू. सब कैसे सर? इसे डेल्टा एन जी क्या होगा? जीरो. वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो. डेल्टा एन जी क्या होगा मेरा? मान लो इस बात को, पक्की बात. क्या इसका एक्सप्रेशन, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन 2p की बात करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, याद है कल का पॉइंट बताता. जब आपको रिएक्शन पता नहीं हो कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, तो उसके लिए क्या डिनोट करते हैं? 2p डिनोट करते हैं. अब 2p का इक्वेशन क्या होगा? मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ HI का होल स्क्वायर. क्या यहां पे कोई प्रेशर या p / nt का टर्म आएगा क्या? यहां पे क्या यहां पे p / nt का टर्म आएगा क्या? क्या यहां पे p / nt का टर्म आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि p / nt का पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी जीरो, तो 1 ऑफ समथिंग का पावर जीरो क्या होता है? क्या पूरे इक्वेशन में प्रेशर आ रहा? क्या qp के पूरे इक्वेशन में प्रेशर आ रहा या नहीं आ रहा? दिख रहा आपको कोई p वर्ड दिख रहा है? कहीं भी वर्ड दिख रहा? जब प्रेशर नहीं आ रहा तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा. अगर प्रेशर नहीं आया तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा, मान लो इस बात को. और यदि दोनों नहीं आ रहे, इसका मतलब देयर विल बी. आप चेक कैसे करोगे? आपको जब पता ही नहीं है प्रेशर का क्या रिलेशन है, कुछ है ही नहीं यार, तो कोई रिलेशन हो? आप प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. आप इसमें प्रेशर घटा दो बढ़ा दो, रिएक्शन क्या रहेगा? सेम का सेम रहेगा. आप वॉल्यूम घटा दो बढ़ा दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. आई बात समझ में? आया ना? सबको समझ में आया? तो देखिए, तो हमें सिंस Q is not affected by, not affected by change of pressure or change volume, which means medium of reaction, which means equilibrium of reaction is not affected. So delta equal to zero. Delta
comprehension. My comprehension. I am dependent from pressure या volume. मैं ये बात आप इसको कुछ भी कर दो pressure volume कुछ भी change कर दो इसका कोई impact बढ़ने वाला नहीं है. इसका एक तो बंद कर रहा हूँ. ये नया बात है क्या? ओके समझ में आ सबको आया ना? ठीक है जीरो सबने देख लिया था. ओके नाउ सेकंड केस में देखो. ठीक है लेट्स सेकंड केस में मान लेता हूं डेल्टा एन जी लेस देन 0. ठीक है डेल्टा एन जी लेस देन 0 का जैसे एग्जांपल ले लो n2 plus 3s2 क्या होगा? ट्वाइस ऑफ n3 होगा. बात उस बात को कैसे एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं मैं बताओ? 2p को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ ns3 का स्क्वायर बाय मोल्स ऑफ n2 मोल्स ऑफ h2 का क्यूब इनटू p बाय n का पावर डेल्टा ng लेस देन 0 तो n के ऊपर चला जाएगा p नीचे आ जाएगा. ये पॉइंट समझ में आया? सबको समझ में अच्छे से तो क्या मैं np को ऊपर लिख दूं और प्रेशर को नीचे लिख दूं टोटल प्रेशर को बराबर क्योंकि लेस देन 0 है ना बराबर. अब समझो बात को अब देखो q और p में क्या रिलेशन है क्या रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है क्या ऐसा बोल सकते हैं q और p इनवर्स रिलेशन है. इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से qp की वैल्यू क्या होगी? घटेगी. qp की वैल्यू घटेगी और अगर यदि घटी वैल्यू तो ये x किस तरफ जाता है? qp की वैल्यू k ग्रेडिएंट से घटेगी. मैं ऐसा समझ में जैसे अगर सपोज करो आपने प्रेशर बढ़ाया तो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कम हो गई तो इसका मतलब QP विल बी लेस देन K इक्विलिब्रियम और जब QP लेस देन K इक्विलिब्रियम हो चुका है इसका मतलब किस तरफ डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन बताओ? फॉरवर्ड. QP वैल्यू घट देखो QP QP भी क्या है एक तरीके का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है. QP की वैल्यू घट इसका मतलब प्रोडक्ट कम हो चुका है आपका. अब प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड में जाएगा मानते ना तो दूर चला गया प्यार कम हो गया इसलिए वापस जाना उसके पास. समझ में आई बात? समझ में आया ना? पक्की बात जब कम हो गया तो उसके पास जाओ और जब ज्यादा लड़ाई करने लगे तो भाग जाओ. समझ में आया ना? आया ना? नहीं आया समझ में? किसको नहीं समझ में आता? सबको समझ में अच्छे से तो क्या मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मान लो इसके बाद को ठीक है और अगर मैंने प्रेशर लो किया तो क्यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्यूपी की फिर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम. इसका मतलब ये क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन क्योंकि आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए. अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो इस टाइप का रिएक्शन किस प्रेशर पे फेवरेबल होता है? हाई प्रेशर. जब प्रेशर हाई हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा? लो. क्योंकि देखो प्रेशर नीचे तो वॉल्यूम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा. QC वाले केस में याद है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? HPLV हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद है. LV मतलब ये वॉल्यूम समझ लो. HPLV हाई प्रेशर लो वॉल्यूम रिएक्शन होता है. क्या होता है? Batman.
चलो हुआ
और तुमने बनाया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर यार वो 5% ये है बस बस हुआ एक तरफ का तो लिख दिया होगा ना हाँ किस तरफ का लिखा इधर का इधर का लिख दिया ना नहीं बता रहा आराम से भी बहुत समय अपने पास क्या नाम था रुद्र तेज रुद्र तेज नाम नहीं था मुझे जैसे रुद्र और तेज What is the meaning? Now the meaning is चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है स्टॉप राइटिंग जब बोलूंगा तब लिखना
रिएक्शन होगा, ठीक है। और लेट मैंने ऐसा माना कि प्रेशर पी पी वन था, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था मेरा अल्फा वन, दैट समझना। प्रेशर पी वन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है मेरा अल्फा वन, लेट अगर प्रेशर चेंज किया, प्रेशर चेंज होके मैंने कर दिया पी टू, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज होना लॉग पे समाप्त हो क्या हो जाएगा अल्फा टू हो जाएगा। यदि मैं ये मानता हूं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो प्रेशर घटा या बढ़ा? बढ़ा ना। अब आप मुझे ये बताओ, पहला ऑप्शन क्या अल्फा वन अल्फा टू के बराबर होगा, सेकंड ऑप्शन अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू होगा, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्फा वन लेस देन अल्फा टू हो जाएगा, या चौथा कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्या होगा, अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू, थर्ड ऑप्शन अल्फा टू ज्यादा होगा। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, भगवान ने जो भेजा है आपको अगर दिया है तो क्या होगा, क्या होगा, सोचिए 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 क्या होगा, कौन सा केस है, कौन सा केस है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जीरो में प्रेशर क्या होता है, बढ़ा दिया मैंने, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, प्रेशर लो, लो प्रेशर होना चाहिए, बट यहाँ प्रेशर मैंने क्या किया, बढ़ाया, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, अभी पता है मतलब कमाल के प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। अब डिग्री डिसोसिएशन मतलब क्या, कि कितना टूट के बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है अल्फा वन बड़ा होगा कि अल्फा टू बड़ा होगा, अल्फा वन बड़ा होगा ना, क्योंकि जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चला गया, तो ऑब्वियस बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले से कम डिसोसिएट होगा ये, क्योंकि नेट रिएक्शन तो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आई क्वेश्चन सबको, नहीं आया प्रेशर पी टू था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा टू, एक बात बता बेटा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो केस है ये बराबर। अब एक बात बता, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन मेरा कहां जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अब यहां प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा या रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, अरे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ता है या रिएक्टेंट ज्यादा बढ़ता है, रिएक्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि भैया कितना रिएक्टेंट से टूट के प्रोडक्ट बना है, तो अब आप मुझे बताइए क्या अब इसमें से कुछ टूट के बनेगा, नहीं ना, क्योंकि नेट रिएक्शन मेरा कहां चला गया, बैकवर्ड ना, आया समझ में, पक्का ना, ओके। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा अगर आपका बढ़ता है तो रिएक्शन मेरा कहां जाता है,
बॉर्डर में, ठीक है। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ता था कि डेल्टा एनजी कौन सा केस है, बराबर मानते हो सभी मानते हो। वैसे ही टेम्परेचर का केस देखने के लिए आपको रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी शुड नो, वी शुड नो द type of reaction, you should know the number, you should know the, sorry, you should know thermodynamic nature of reaction, ठीक है। जैसे endothermic रहता है, endothermic रहता है तो reaction में delta H क्या रहता है, हीट बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक आप क्या करते हीट देते हो, ठीक है, मतलब ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं, एक्सोथर्मिक की बात करूं तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा लेस देन जीरो देन। आई बात समझ में, एक बात मैं तुमको शॉकिंग न्यूज़ दे दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपको कभी ये नहीं दिया जाएगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कभी नहीं देगा क्वेश्चन में, कभी नहीं। आप कैसे पता करोगे, सपोज करो PCl5 tends to give PCl3 plus Cl2, ये एग्जांपल देख सकते हो। मैंने आपको नहीं दिया कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, आप कैसे पता करोगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सोचो। एक तरीका होता है, ये रिएक्शन कैसा है, डिसोसिएशन वाला है, PCl5 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो के PCl3 और Cl2 बना रहा है। तो किसी चीज को तोड़ने के लिए दो PCl P और Cl5 बहुत गहरा दोस्त है, तो दोस्ती में क्या करनी पड़ेगी, तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आग लगा लगना पड़ेगा ना, अब वो किसी भी तरीके से ऐसे लगाना चाहो या तो लड़की ला दो दोनों के बीच में, ऐसे तो उससे टूट जाएगी ना, तरीका कुछ भी हो सकता है भैया। बेसिकली क्या लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, बराबर। आग लगने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हर डिसोसिएशन रिएक्शन समझना ध्यान से, एवरी डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक है, इसका हीट यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, लिमिटेड है क्योंकि हीट यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ देखो कोई फायदा है क्या, ऑलरेडी जल चुकी है, और आग लगाने जाओ तो मार खा कर दो, आग सिर्फ आपको इनिशियल स्टेज में लगा है, बाकी काम तो अपने आप हो ही जाएगा, राइट। तो आग कहाँ लगेगी, एंडोथर्मिक में, यहाँ पे लगेगी रिएक्टेंट सर, समझना बात करना से आप समझ बात। अगर आपने इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेंपरेचर का इफेक्ट पहले आपने ये देख लिया कि भैया रिएक्शन कौन से टाइप का है, तो पहले ये समझ लो, ठीक है। यदि मान लो और ट्वाइस ऑफ NO टेंड्स टू गिव NO प्लस, ये रिएक्शन कौन से टाइप का होगा, कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडो होगा। अभी मैंने आपको ना डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, बट सिर्फ दो रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक एनो का डिसोसिएशन और एक ओजोन का डिसोसिएशन, किसका, एनो का डिसोसिएशन और एक ओजोन का डिसोसिएशन, जो O3 टेंड्स टू गिव होता है O2, वो क्या होता है एक्सोथर्मिक, ये सिर्फ यही एक ऐसा दो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में, सबको क्लियर हुआ माइंड में, तो एक्सोथर्मिक हुआ, अब ये होता कैसे समझो, अब आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इंद्रदेव, जानते हो इंद्र भगवान क्या इंग्लिश में थॉर है ना, जैसे यहाँ हिंदी में इंद्रदेव बिजली और बारिश वगैरह के जो जिम्मेदार रहते हैं ना, इंद्र
दीर्घ है क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्या हो कौन से गैस पाए जाते हैं जिससे पेंटोर होती है, तीसरा गैस कोई नहीं रहता क्योंकि मेजर पोर्शन तो नहीं क्या है, तो रोटर का एक मेजर पोर्शन है। तो जब बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है एनो का फॉर्मेशन होता है, एनटू रोटू क्या बनाता है एनो। तो जहां बिजली कड़कती है वो एकदम लो टेम्परेचर नहीं होता बिजली, मान लो जैसे ऐसे कड़की, ये जो रीजन का जो होता है टेम्परेचर जहां जहां कड़केगा 3000 डिग्री अबव टेम्परेचर होता है, कितना होता है 3000। अब ऐसे सोचो क्या यहाँ यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है एनटू रोटू का पॉसिबल? अबे हो गया तो यार
तो ज्यादा देर का है नहीं चलो समझ में आया सबको सबको इस तरह को लिखा एक तरफ हो गया ना सबका Thank you.
type of reaction delta ng
as well as condition should be checked. As well as condition should be checked. Let's repeat kar raha main. To know the impact of addition of peanut material type of reaction bracket mein delta NG as well as condition should be checked. As well as condition should be checked. Samajh mein aa sabko? Aaya na? अब यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, पीनट मटेरियल को हम सिर्फ दो कंडीशन में डालते हैं। किसमें? दो कंडीशन। पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है? पीनट मटेरियल को ऐड करने का सिर्फ दो ही तरीका होता है। या तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे। किसमें ऐड करोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आई बात समझ में? आया ना? आई बात समझ? क्या QP के टर्म में, QP वाले टर्म में, किसी भी QP वाले टर्म में वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि सिर्फ P और ND आता है उस केस में। तो जब वॉल्यूम का टर्म आया नहीं तो कोई फर्क पड़ा नहीं। नहीं है सर, एक बार सर आया क्या? नहीं है ना, यार क्यों P बाय ND वाले में वॉल्यूम ऊपर नीचे आता था? वॉल्यूम तो ऊपर, ये तो मानते ना वॉल्यूम ऊपर नीचे आता था। अब वॉल्यूम ऊपर नीचे आ रहा था तो क्या उस पूरे यूपी में एनटी आता था क्या? एमटी आता था क्या? एनटी तो नहीं आता। एनटी वाला टर्म किस में आता था? यूपी वाले पी वाले एनटी वाले टर्म में आता था। जहां वॉल्यूम आता था, जब वॉल्यूम यूज करते थे, देखो एनटी कभी यूज नहीं कर सकते थे, याद है? तो जब एनटी आया ही नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि इनर्ट मटेरियल का रिलेशन किससे? टोटल फोर्स से। तो जब पूरे एक्सप्रेशन में टोटल फोर्स नहीं है, इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप कुछ भी ऐड, कोई सा भी इनर्ट मटेरियल कितना भी ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में? नहीं आ, किसको ये समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। आया? देखो क्या, या जो ही तो केस होता है, तो पी डायरेक्ट को मतलब पी बाय एनटी का पावर डेल्टा एनजी, और क्यूपी क्या होता था? क्यूपी बराबर होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम का पावर डेल्टा एन। अब इस वाले केस में एनटी तो आया ही ना, क्योंकि इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट आप सिर्फ टोटल मोल से ही देख सकते हो। क्या देख सकते हो? टोटल मोल से देख सकते हो। टोटल मोल से नहीं है, इसका मतलब ओवरऑल क्या रहा? इंडिपेंडेंट रहा ये। आई बात समझ में? तो लिखो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, no effect of addition of inert material, no effect of addition of inert material at constant volume, no effect of addition of inert material at constant volume for any type of reaction. अब डेल्टा एनजी कोई भी केस हो, जब वॉल्यूम वाले टर्मिनोलॉजी में एनटी आया है, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मानते हो इस बात को? आया ना? नहीं है समझ में? अच्छा, no effect of addition of inert material at constant volume for any type of reaction. For any type of reaction. आया समझ में? ठीक है। Second case आता है constant pressure. Constant pressure में आपको पहले check करना पड़ेगा कि delta NG कौन सा case है। लेट अगर मैंने पहला केस पकड़ा डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, तो क्यूपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पी बाय एन टी का पावर डेल्टा एन जी। यहाँ डेल्टा एन जी जीरो हो गया, तो क्या कोई रिलेशन होगा? पी बाय एन टी का पावर जीरो, तो क्या रहा ओवरऑल कांस्टेंट? क्या इफेक्ट होगा? क्या नो इफेक्ट? सिंपल सा पड़ता है, नो इफेक्ट। डेल्टा एन जी वाले जीरो पे no effect of addition of inert material. आई बात समझ में? चलो second case में देखो, अगर delta ng greater than zero, delta ng क्या? greater than zero. delta ng greater than zero का मतलब ये है कि qp directly proportional to क्या होगा? p by NT का पावर डेल्टा NG। अब जब 0 ग्रेटर देन मतलब 1 टू कुछ मतलब, बट रेशियो तो P बाय NT रहेगा हमेशा, ये तो मानते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं QP, अब प्रेशर तो कांस्टेंट है आपका,
आपने मटेरियल किस में ऐड किया, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने का मतलब qb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/nt। इसका मतलब अभी आपका nt क्या हो चुका, बढ़ चुका है एडिशन। इनर्ट मटेरियल ऐड करने का आपका टोटल मास क्या हो चुका है, बढ़ चुके। टोटल मास बढ़ चुके मतलब qb की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो qb घट चुका मतलब qb लेस देन k इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन कहां जाएगा। आया समझ में, सबको समझ में पक्की बात है। सेकंड केस, थर्ड केस में जाओ, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 का क्यू पी क्या हो जाएगा, एन टी 5 पी डेल्टा एन जी, अब रिवर्स हो जाएगा रेशियो। मतलब आपको तो क्यू पी और एन टी तो बढ़ गया, एन टी बढ़ने से क्यू पी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो डायरेक्ट है ना, बढ़ेगी। बढ़ेगी इसका मतलब क्यू पी विल बी क्या, ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी लिटरल खत्म हो चुका आपका, एंड टाइम तो बचा है, रनिंग वाइज तो चल कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। जब फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो यूजफुल ना, वो क्या हो यूजफुल ना। अभी मैं जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी डिटेल्स हम थर्मल एनर्जी से पढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आप जब खाना खा के आते हो तो आपकी एनर्जी आपने स्टोर रखी, ठीक है, तो जो आपने खाना खाया, लाइक आपने जो भी खाया, ब्रेड रोटी सब्जी चावल व्हाटएवर आप जो खाना खाते हो, उससे आपको ठीक एनर्जी मिलती है। लाइक सपोज करो आपने 500 किलो कैलोरी एनर्जी में, मैं समझ रहा हूं आपने कितनी एनर्जी गेन की, 500 किलो कैलोरी। तो सपोज अगर आप ब्रीथिंग करते हो, लिखते हो, सुनते हो, आंख झपकाते हो, व्हाटएवर जो भी आपका बॉडी में फंक्शन हो रहा है, उस पे कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी। क्या वो 500 किलो के लिए पूरी खर्च हो जाती है? लाइक उसका 20% 30% 40% मान लो मैं खर्च कर देता हूं, क्या करता हूं, खर्च कर देता हूं, लेकिन वो अभी तो 60% स्टोर्ड एनर्जी है, क्या उसको आपने यूज किया है? अभी भी यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन एनर्जी अभी भी आपके पास है, वो एनर्जी क्या है, अभी भी आपके पास है, तो उस नॉन यूज़फुल एनर्जी को या नॉन मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आप लिख रहे हो एक मैकेनिकल वर्क है, आप चल रहे हो एक मैकेनिकल वर्क है, बराबर, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, उसमें एनर्जी खर्च हो गई, लेकिन जो एनर्जी नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए यूज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। आई बात समझ में? ऐसी एनर्जी जो हम यूजफुल वर्क में काम नहीं कर पाए, आई बात समझ में, जो काम हम यूजफुल वर्क में काम नहीं कर पाए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। इसको डिटेल में हम खाला के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, मिला समझ में आया पॉइंट, इतना पार्ट समझ में, ठीक है, तो यहां पर बस खिला एक फॉर्मूला दूंगा, याद रखना बाय यूजिंग, बाकी डिटेल में हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जिसको इंजीनियर बनना है ना, ये टॉपिक बहुत आसान लग रहा है, जिसको बाकी अच्छे इंजीनियर बनना है, जिसको मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है ना, ये टॉपिक बहुत आसान होना चाहिए। कौन कौन बनना चाहता है तुम, बेटा मैकेनिकल वाला, सब कंप्यूटर साइंस में रिसेशन रिसेशन एवर के लिए बात चल रहा है, मैकेनिकल एक मैकेनिकल वाला ऐसा बंदा जो कभी जॉबलेस नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर वाला हो सकता है, मार्केट डाल दो, आईटी वाले लात मार के बाहर निकाल देते हैं, सीरियसली मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एवरग्रीन ब्रांचेस है, इनकी अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लाइफ टाइम रहती है, इसलिए फोर ब्रांच बोला जाता है। चलो बाय यूजिंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अ रिलेशन मे बी डिराइव्ड, डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा -2.303 आरटी
लॉग, अब क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, क्यू की जगह क्या लिखूंगा इक्विलिब्रियम पे, पर के इक्विलिब्रियम ना होगा ना भाई, आया ना। इसका मतलब ये होगा इसमें भी तीन कंडीशन आ जाती है। तीन कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर k इक्वल टू 0 रहा, अगर k इक्वल टू क्या रहा 0 रहा तो डेल्टा g नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 log k, log 0 क्या होता है 0, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, k ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर k ग्रेटर देन 1 हो गया तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो डेल्टा जी नॉट ओवर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तब ये रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन तब जाएगा याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल बी एट फॉरवर्ड। और अगर k लेस देन 1 हो गया तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन विल बी एट फॉरवर्ड। इसका मतलब आपको फेवरेबल कंडीशन के लिए डेल्टा जी नॉट हमेशा क्या होना चाहिए, क्या सबने क्या और रन करें, रन
जाओगे अवस्था नहीं होगी। बात ठीक है, थैंक यू।
about the conversation.